शशांक, प्रियांशु, रियान, उज्जवल, अनुष्का, राजर्षि, तन्मय। गुड आफ्टरनून सभी को। एक काम करो, आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लो यहाँ से, ठीक है? यानी 4:13 पर क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके?
हेलो। हेलो, ऑडिबल मेरी आवाज? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये ओके ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब रेटिंग रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें। तनवे समझ नहीं आया था लास्ट क्लास में या नहीं थे? डाउट है? ओके, डाउट है। एक बल्ब पे लिखा हुआ है 50 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है? ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले समझते हैं। अगर इस बल्ब के अक्रॉस 50 वोल्ट अप्लाई किया गया, इस बल्ब के अक्रॉस 50 वोल्ट अप्लाई किया गया, तो इस बल्ब से 100 वॉट पावर खर्च होगी। ठीक है? तो अब हमने क्या किया, इस रिलेशन से हमने इसका निकाला रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस का आएगा ये निकाल दिया। रेजिस्टेंस जो होता है वो ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है, पता है ना? वी प्रोपोर्शनल टू आई। रेजिस्टेंस जो है बस यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस की ना वोल्टेज पे डिपेंड करता ना ही करंट पे डिपेंड करता है, पता है ये वाली बात? याद आई वाली बात, वी प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, अब हमने क्या किया, इस रिलेशन से 50 वोल्ट एंड 100 वोल्ट से निकाला, इसका रेजिस्टेंस निकाला। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर वी आई, ये तीन फॉर्मूले होते हैं। और तीनों फॉर्मूले रिलेशन बताया था कैसे कैसे आते हैं, बता सभी को याद होगा। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो हमें आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकता है। तो आप बोलेंगे फर्स्ट वाला, है ना? तो फर्स्ट वाले में देखो पावर कितना रखेंगे, 100 वॉट, वोल्टेज कितना रखेंगे, 50 वॉट, क्या दे देगा मुझे रेजिस्टेंस? हंड्रेड अपॉन 50 स्क्वायर, 1/25 ओम। बताओ समझ में आया क्या? कोई डाउट? आप मुझे ये दाओ, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्फिडेंस आया बताओ? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आया बताओ? किसी ने स्पेशल भी कमेंट लिखा है कुछ? क्या लिखा है सर? एक्सट्रीम पैरेलल एंड सर बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज विच टेक्स मोर करंट फ्रॉम बैटरी एंड वाई। ओके,
तन्मय को कॉन्फिडेंस नहीं आया, उज्ज्वल को कॉन्फिडेंस नहीं आया। तन्मय बताओ क्या दिक्कत हुई, तुमने क्लास पूरी सही की है ना? अच्छा आया, ओके ओके ओके। अच्छा यस किया, ओके ओके। बाकी लोग बताए बताओ, सभी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्फिडेंस आ गया। स्कूल के स्कूल लेवल का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्रैक कर देंगे तुरंत, बताओ। स्कूल लेवल का क्वेश्चन आएगा क्रैक कर देंगे, बताओ। रियान बताओ, अनुष्का, हर्षित, दीक्षा बताओ। है ना, सही है। अभी देखो एक क्वेश्चन आया ये कि मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है, आपने रेजिस्टेंस ले लिए, इस तरीके से रेजिस्टेंस ले लिया, वन ओम, टू ओम और थ्री ओम, कुछ रेजिस्टेंस है। अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, क्वेश्चन देखो क्या है, सम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वही रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाएं सीरीज कॉम्बिनेशन में, वही रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाएं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो बैटरी से किस कनेक्शन में ज्यादा करंट होगी? आई वन ज्यादा होगा या आई टू ज्यादा होगा, ये बताना है। सीरीज में करंट ज्यादा होगी या पैरेलल में ज्यादा करंट होगी, आपको ये बताना है, बताओ। कर पाएंगे? यहां पे आप 6 वोल्ट की बैटरी मान लो, अगर आप ना भी माने, कुछ वी भी मान लें, तब भी आपका आंसर वही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं तो बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए जल्दी करवा रहा हूँ। तो बताओ यहाँ कितनी करंट आई, यहाँ कितनी आई, यहाँ कितनी आई, यहाँ करंट आई 6, यहाँ करंट आई 3, यहाँ करंट आई 2, यानी इसमें करंट आई 11। अब देखो यहाँ कितनी करंट आई, 1, तो 11 ज्यादा है 1 से, आई 2 ज्यादा हुआ आई 1 से। अच्छा सभी लोग बताओ, कितने लोग IIT और कितने लोग नीट के लिए बहुत सीरियस हैं, बताओ। अपना अपना वो दो, प्रेफरेंस दो मुझे, कितने लोग IIT के सीरियस हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो स्कूल लेवल के लिए, बस। ओके वेरी गुड दीक्षा, शशांक नीट, ओके, राजर्षि IIT, वेरी गुड, रियान IIT, तन्मय IIT, हर्षित IIT, प्रियांशु नीट, ओके, उज्जवल IIT। अब देखो आप लोग, देखो सीरियस हो, अच्छी बात है, लेकिन सीरियस होने के साथ साथ आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करते हो। जैसे सभी लोग IIT या नीट के लिए सीरियस हैं, तो अब आपको चाहना होगा कि आप लोग, आपके पास टाइम बहुत है, आपको जो मिल रहा है कंटेंट मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि
कि स्कूल के साथ साथ जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएं, अभी से 10th से ही आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि लगभग आपको इतना बताया जाए कि आप आईआईटी के क्वेश्चन क्रैक कर पाएं, काफ़ी हद तक आप क्रैक कर पाएं, ये मैंने बताया है आपको। तो अब आपको अपने एंड से कोशिश करनी होगी कि आईआईटी के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, या मुझसे कंसल्ट करो उसके बारे में। तो आप अगर वो कर लोगे तो आपका जो नीट का या आईआईटी का एग्ज़ाम है वो आपके फ्यूचर में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। रेडी बताओ, आगे से करोगे आप लोग? एक आपका एग्जाम होता है, पता है आप लोगों को पता होगा, 10th वाले बच्चे हो शायद पता हो, एक एग्जाम होता है एनटीएससी का और एक एग्जाम होता है केवीपीवाई का। एक एग्जाम होता है ओलंपियाड का। एनटीएससी का 10th के बाद, ओलंपियाड का 10th में होता है और 11th में होता है इसका केवीपीआई का। लेकिन जब 11th स्टार्ट तभी होता है, तब आपका जो 10th का जो सिलेबस होता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके साथ साथ 11th का भी अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आप केवीपीआई का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 10th का सिलेबस बहुत अच्छे से आना चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड का, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। अब बात आती है एनटीएससी की। तो एनटीएससी का आपने देखा है, एनटीएससी का आप लोगों ने पेपर देखा है साइंस का, अब 10th के एनटीएससी के एग्जाम में आप एक काम करना, टेंथ एनटीएससी साइंस का निकालना, साइंस में निकालना फिजिक्स, फिजिक्स में निकालना करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी क्वेश्चन आए हों लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हों वो पूरे के पूरे सॉल्व करना। ठीक है बच्चा लोग, लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हों पूरे के पूरे सॉल्व कर डालना, एक आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा ये। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एनटीएससी में हम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलो मैग्नेटिज्म पर आते हैं, ठीक है? तो किसी ने कुछ पहले पढ़ के आया थोड़ा बहुत आप लोग?
केवीपीआई में होता है, हाँ 11th होता है, सही है। ये सर ऑस्टेट लॉ पढ़े थे। अच्छा ओके, ऑस्टेट लॉ पढ़ा है। बाकी लोग कोई पढ़ के आए हैं आप लोग बताओ? प्रियांशु केल पढ़ के आया, और कोई? पढ़ा हुआ सर। ओके okay. अब देखो हुआ क्या। ओके ओके, तो अब अभी बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म की, बात करने वाले हैं। अब देखो हुआ क्या, कि मैग्नेटिज्म ये टर्म आया कहाँ से। तो बहुत पहले यूनान में क्या हुआ कि एक पत्थर मिला किसी को, एक पत्थर मिला, स्टोन था। स्टोन ने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था, कुछ पार्टिकल को, स्पेसिफिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था वो। तो ये प्रॉपर्टी उनको बहुत फैसिनेट की, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने वो पत्थर कलेक्ट करना स्टार्ट किया, पत्थर को, बड़ा पत्थर देखा, और वो देखा कि आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, ऐसा उन्होंने देखा। तो फिर अब उसकी कहानी आगे आगे बढ़ी। तो फिर क्या हुआ इसके बाद में, उसके ही पहले देखो, अब क्या था कि जैसे ये यूरोप था, देखो ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये रसिया ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पढ़ा है थोड़ा आइडियाज का, मैप का। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ज्योग्राफी का आइडिया थोड़ा बहुत आप लोगों को। हाँ थोड़ा आइडिया होगा। चलो देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो यूरोप के लोग थे, इनको अदर जगह पे जाना था उसके लिए, बिजनेस के लिए, या अटैक करने के लिए किसी और जगह पे, है ना। तो क्या करते थे, शिप से जाते थे। अब शिप से एक जगह दूसरी जगह जाना है पता करने के लिए टफ था बहुत सी में। तो इन्होंने एक चीज देखी, पहले ये उससे चलते थे, सन से चलते थे, सन की लोकेशन ट्रैक करके चलते थे पहले। तो बहुत पहले बता रहा हूँ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, या बोले हम मैग्नेट के बारे में कुछ नहीं पता था, कंपास के बारे में कुछ नहीं पता था, उसके पहले बता रहा हूँ। तो पहले क्या करते थे, ये सन को देख के आगे बढ़ते थे। फिर क्या हुआ, एक डिवाइस खोजी गई, उसको बोला गया मैग्नेट। जब मैग्नेट आया, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई कि वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ रुकता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता है। तो इससे क्या बनाया गया, कंपास बनाया गया। और उस कंपास से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट किया। तो वहां पर बहुत हेल्पफुल हुई ये डिवाइस, मैग्नेटिक फील्ड वाली, मतलब मैग्नेट वाली। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तन्मय। ओके ओके, तो अब समझो वहां पर ये डिवाइस वहां पर काम आई इतनी।
अब उसके आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब आज समझो, आज के जमाने में देखो, आज के जमाने में क्या होने वाला है। देखो ये देखो है बुलेट ट्रेन, अब देखो यहां पर नीचे क्या किया, इसके एक ट्रैक बनाया गया, इस तरीके से नीचे ट्रैक बनाया गया बुलेट ट्रेन के नीचे। अब देखो यहां पर है नॉर्थ पोल, यहां पर मैग्नेट का है नॉर्थ पोल, और जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसके नीचे क्या है, सॉरी इसके नीचे क्या है, नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे नॉर्थ पोल। तो अभी ये सब लोग जानते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसे गाड़ी हवा में टंगी रहेगी, बताओ है ना। अभी बता रहा हूँ, एप्लीकेशन बता रहा हूँ उसका आप लोगों को, इस तरीके गाड़ी हवा में रहेगी, बताओ। ये बुलेट ट्रेन अभी गाड़ी नहीं चल रही है, रेस्ट में है। ना अब क्या हुआ, इस ट्रैक पर देखो, एक सोचा गया कि अगर इस ट्रैक पर साउथ पोल जनरेट किए जाए, यहां पर किसी तरीके साउथ पोल लाए जाए इस तरीके से, तो बताओ क्या होगा, गाड़ी कहाँ जाएगी, ये बुलेट ट्रेन कहाँ जाएगी, आप बताओ, फॉरवर्ड। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, ये वाला मैंने ऑफ कर दिया, ये वाला मैंने ऑफ कर दिया, अब बताओ ये वाला ऑफ करके ये वाला ऑन कर दिया, तो गाड़ी और आगे, फिर ये वाला ऑफ करके ये वाला ऑन कर दिया, गाड़ी और आगे, अब गाड़ी स्पीड पकड़ना स्टार्ट करेगी, है ना। तो इस तरीके से बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया। अब बताओ उस जमाने से आप देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इसके नेक्स्ट लेवल, देखो इसका, इसका नेक्स्ट लेवल देखने वाले हैं हम लोग। अब क्या हुआ, अब देखो यहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा था एनर्जी का, यहां पर खर्चा ज्यादा हो रहा था एनर्जी का। क्यों खर्चा हो रहा था, क्योंकि गाड़ी जब चल रही थी यहां पे तो एयर के कांटेक्ट में आ रही थी, जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगी तब बताओ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन को बीट करने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। अब क्या हुआ, एक बंदा आया, उसने क्या किया, एक ट्रैक बनाया उसने, और ट्रैक में क्या कर दिया उसने, वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम कर दिया इस तरीके से, पूरा वैक्यूम। अब इस वैक्यूम के अंदर अगेन कॉन्सेप्ट वही नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला। अब बताओ अब ये गाड़ी, जब ये जो बॉक्स है, अब वो और तेजी से एक्सीलेटर होगा, हाइपर लूप, वेरी गुड, हाइपर लूप, देखो इसने पकड़ लिया। अब बताओ जो यहां पर फ्रिक्शन में जो खर्चा हो रहा था, वो खर्चा भी कम कर दिया। अब बताओ कम एनर्जी में ज्यादा तरी ज्यादा स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, तो ये इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। अब बताओ पूरे पूरे इसमें पूरे कॉन्सेप्ट में, हाँ वेरी गुड, पूरे कॉन्सेप्ट में देखो आप अगर ध्यान सोचो, जो इसमें किया है, जिसने काम किया है, वो इसने सिंपल सी इंजीनियरिंग लगाई है दिमाग। अगर बेसिक फंडा देखा जाए, बेसिक फंडा देखा जाए, फंडामेंटल्स देखे जाए, तो कोई इसने नई चीज इजाद नहीं किया है, पहले से कॉन्सेप्ट मौजूद था, उसी को उसने यूज किया है ना। 10th और 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो
उन्हीं को उसने यूज किया है और इतनी बड़ी कंपनी बनाई है। आज हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग बताओ, आपने कोई देखा है, एक्सपेरिमेंट किया है मैग्नेटिक फील्ड का कभी? आपने कभी किया हो? आप लोगों ने बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो, देखा हो, फील किया हो, कुछ सोचा हो उसके बारे में? ऐसा कुछ कर सकते हैं, बताओ, शेयर करो मुझसे आइडिया आपने। बताओ सौरभ, आप बताओ। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट, ओके, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, और कोई बताए कुछ? आप लोग बताओ, कुछ कुछ आइडिया दो मुझे भी। चलो मैं एक और बताता हूं, देखो आपने वो देखे होंगे यार्ड्स, देखे होंगे मूवियों में, जहां पर ट्रेन या शिप के कंटेनर्स होते हैं, शिप कंटेनर्स होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, अब देखा होगा एक गाड़ी आती है ऐसे, इसको चिपकाती है और उठा के दूसरी जगह रख देती जाके, सभी ने देखा इस तरीके से। इस तरीके से बताओ, इसको उठा के दूसरी जगह रखती है ना गाड़ी, है ना। अब इसमें देखो क्या होता है, इस गाड़ी में एक डिवाइस होती है, इस गाड़ी में एक डिवाइस होती है जिसमें क्या करती है, करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड आता है, करंट फ्लो से ये बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है, और जैसी बनती है मैग्नेट
वैसे ही ये आयरन को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है और ये इसे चिपक जाती है। अब जब ये चिपक गई तो इसको उठाया यहाँ से, दूसरी जगह जाके रख दिया, जाके करंट को कर दिया जीरो, उसको ड्रॉप कर दिया। आया फंडा समझ में? अदरवाइज इसको उठा के रखना, अदरवाइज इसको उठा के रखना तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है। किसी तरीके से मैकेनिकल वे से अगर उठा के रखोगे ना तो बहुत टफ काम है। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है हमेशा। आप लोग क्रेन भी बना सकते हो घर पे, इस तरीके वाली। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्रेन बना सकते हो, एक ट्रेन बना सकते हो, ग्रेविटी फ्री ट्रेन बना सकते हो। मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेट होती है जिसमें देखो दो पोल होते हैं। एक मैग्नेट है जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब इसका इसका शेप कैसा भी हो सकता है, इसका जो शेप है वो कैसा भी हो सकता है, इस तरीके से शेप हो सकता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सर्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ। अब देखो जरा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बताओ यहां से आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, बताओ। बताओ क्या क्वेश्चन यहाँ पर आएगा दिमाग में आपके, कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में इन दोनों अट्रैक्शन यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। तो मतलब एक मैग्नेट को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर साउथ पोल है या यहाँ पर नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्यों और कैसे फोर्स लगा रही है, कुछ आपको अगर याद आना स्टार्ट हुआ हो, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड याद आया, कुछ कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे काम करने वाला है क्या, जैसा चार्ज होता था चार्ज के आसपास मैग्नेट आता, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, उसी तरीके से मैग्नेट के आसपास में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरी मैग्नेट रखी है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बताओ क्या ये बात समझ में आई,
देखो यानी अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट, तो मतलब कोई भी अगर एक मैग्नेट है तो उसके आसपास क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उसका आ जाएगा। तो अब होता क्या है, किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ का कहने का मतलब क्या होता है, ये पोल होते हैं। नॉर्थ और साउथ ये क्या होते हैं, पोल। दो तरीके के होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। एक को बोलते हैं प्लस एम, दूसरे को बोलते हैं माइनस एम। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसी प्लस एम माइनस एम। प्लस एम का मतलब क्या, एम का मतलब क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहां पे चार्ज होता था, सेम काम यहां पर क्या करता है, पोल स्ट्रेंथ करती है, इसको बोलते हैं एम। ये दो तरीके की होती है, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम कौन सी, नॉर्थ वाली। माइनस एम कौन सी, साउथ वाली। ये नॉर्थ, ये साउथ। मतलब इस मैग्नेट को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यहां लिख दूं प्लस एम, यहां लिख दूं माइनस एम, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नोट में लिख लेना, जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करता था, इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज करता था, वही काम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, पोल स्ट्रेंथ करता है। एनालॉजी समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अब हुआ क्या, अब ये आप लोग घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट अपने। स्कूल तो खुले हुए नहीं है, स्कूल खुले, खुल गए आप लोगों के, बताओ कितने लोग स्कूल जा रहे हैं अपने अपने, आप लोगों में से कोई जा रहा है स्कूल, तन में स्कूल जा रहे हो, तन में स्कूल जा रहा है, वेरी गुड। मतलब वेरी गुड तो नहीं बोल सकते, और कोई जा रहा है स्कूल क्या, नहीं और कोई नहीं जा रहा है। सौरभ कल से जाएगा। देखो जो लोग भी स्कूल जा रहे हैं, देखो जो लोग भी स्कूल जा रहे हैं, बहुत ध्यान से स्कूल जाएं, बहुत केयर की जरूरत है स्कूल जाने में, और उन्हीं वही स्कूल जाएं, मैं बता रहा हूं आपको, वही लोग स्कूल जाएं जिनके स्कूल बहुत अच्छे हैं। मतलब जिन स्कूल्स में सैनिटाइजेशन 2 बार होगा प्रॉपर, टॉयलेट्स यूज नहीं करने हैं, बॉटल किसी की यूज नहीं करनी है, लंच लेके नहीं जाना है, ये सब गाइडलाइंस स्कूल वाले प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तभी आपको स्कूल जाना है, वरना स्कूल नहीं जाना है। हाँ जो स्कूल बहुत बड़े हैं, कोचिंग तो बहुत मुश्किल है, कोचिंग तो बेटा बहुत ही मुश्किल है खुलना इस बार तो।
अब क्या किया, अब देखो क्या होता है, ये देखो मैग्नेट है, एक मैग्नेट आपने खरीद ली। अब मैग्नेट खरीदने के बाद में आपने क्या किया, जो शॉप्स होती ना जहां पर, हाँ तभी मैं कह रहा हूँ स्कूल वाले बहुत केयरलेस मिलेंगे आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्कूल जाना थोड़ा सा ध्यान रखना स्कूल के बारे में अपना, आपको बहुत केयर रखनी पड़ेगी। अब देखो जरा, ये मैंने एक परचेज कर ली मैग्नेट, अब मैग और एक बड़ा सा पेपर लिया, वाइट कलर का मैंने पेपर लिया बड़ा सा, उसको बिछा लिया ग्राउंड पर कहीं पर भी, टेबल पे, बीच में रख ली मैंने एक नॉर्थ एक और वो रख ली मैंने मैग्नेट। अब मैंने क्या किया, आयरन पार्टिकल्स लिए मैंने, आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे बता रहा हूँ मैं, देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ ऐसी शॉप्स होती है जहाँ पर आयरन का काम होता है, हार्डवेयर्स का कुछ काम होता है, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, जहाँ पे वेल्डिंग होती है, आयरन की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर उसकी जो डस्ट होती ना, वो डस्ट मिल जाए, तो वो डस्ट में आयरन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन डस्ट होती है, वो दिख जाती है आयरन वाली डस्ट, वो आप ले लो। अब वो लेने के बाद में आप क्या करो, इसके आसपास ड्रॉप कर दो, इसके आसपास ड्रॉप कर दो आप पूरे में। तो जैसे ड्रॉप करोगे और हल्का सा उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, जैसे ही वो एडजस्ट होगी डस्ट, तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है, मतलब उसका एक पैटर्न आपको दिख जाएगा, क्लोज लूप में नहीं, क्लोज लूप तो दिखेगा ही नहीं आपको, अभी तो केवल इतना लूप दिखेगा आपको इस तरीके से, ऐसे कुछ बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। इस तरीके की शेप आपको नजर आएगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप ये लोग ये एक एक्सपेरिमेंट खुद से ट्राई करना, ज्यादा महंगा एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, खुद से करना और सीखना इसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये जो आयरन पार्टिकल इस तरीके सेट हो जाते हैं, अब सवाल ये आता है इस तरीके सेट क्यों हुए, क्योंकि उन पर लगा होगा फोर्स और वो फोर्स की वजह से वो इस तरीके से जाके अलाइन हो गए। अब याद करो आप लोग कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में लगता था, क्यू ई फोर्स लगता था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आयरन पार्टिकल सेट हो गए हैं, आयरन पार्टिकल सेट हुए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेट हुए होंगे बताओ, बताओ सौरभ, है ना। एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट और देखते हैं अगली बार क्या हुआ। एक आपने बीच में रखी मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक लिया कंपास, ठीक है, इस तरीके से, और उस कंपास को यहां पे रखा,
तो उसकी नीडल ऐसे आ रही है, फिर आपने इस पॉइंट पे रखा तो नीडल कुछ इस तरीके से आई, फिर आपने इस तरीके से रखा, तो आपने इसके लास्ट पॉइंट को बस आप ऐसे रखते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के आपने पॉइंट को सभी को मिला दिया। अगेन आपने देखा सेम तरीके का पैटर्न आ रहा है। आपने ये पॉइंट आपने इकट्ठे कर दिए इस तरीके से, करते गए करते गए करते गए करते गए। अब बताओ दोनों में सेम पैटर्न आया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो यहां पे हमने सीखा कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है, ये समझने के लिए हमने क्या ड्रॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ड्रॉ की। बात आई समझ में इतनी? बताओ ये वाला एक्सपेरिमेंट किसी ने किया है? ध्यान ने किया है। ओके ओके, 1 मिनट वेट करना आप लोग, 1 मिनट बस। तो आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ लोगों ने किया है कुछ लोगों ने नहीं किया है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट ये वाला, घर पर एक्सपेरिमेंट ये वाला कर सकते हैं। एक लीगो किट भी आती है, उससे भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक लीगो किट आती है उससे भी कर सकते हैं। अब हमें कुछ बातें समझ में आने लगी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे ड्रॉ हो रही हैं, ये हमें समझ में आने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती हैं और कहां पे आती हैं, साउथ पोल पर, फिर साउथ पोल से अंदर जाती हैं इस तरीके से अंदर जाती हैं। है ना, ये भी बना दिया मैंने, इस तरीके से बनाया मैंने। अब देखो
ये बन गया मेरे लिए। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं। और कोई बताए, नॉर्थ टू साउथ, और कोई? अरे आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा ध्यान दिया करो। साउथ टू नॉर्थ कोई बोल रहा है, कोई नॉर्थ टू साउथ बोल रहा है? नहीं, देखो मैग्नेट कहाँ से कहाँ जाती हैं समझना ध्यान से। आउटसाइड दी मैग्नेट, आउटसाइड दी मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ। इनसाइड दी मैग्नेट, इनसाइड दी मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, नोट करो उसको। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, कैसी होती हैं? क्लोज्ड लूप में होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इन क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इन क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, नेवर इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। कोई पॉइंट में अगर डाउट हो पूछ लेना तुरंत एकदम, क्यों ऐसा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इधर, देखो मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन बनाई मैंने, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये है स्पेस में, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, इस पे, इधर पे, इस पे, इधर पे, तो ये मुझे क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड उस पॉइंट पे बता रहा है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी, तो बताओ जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में माने या इस डायरेक्शन माने, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? बताओ, बात आई समझ में?
काम ही इसका क्या होता है, इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का ये बताना कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। अगर वो कट कर जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बनाना का मेरा कॉन्सेप्ट खत्म है ना। अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हायर। कहने का मतलब क्या है यहां पे, कि जहां पर लाइंस ज्यादा डेंस होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे देखा हमने, जैसे मैंने ये बनाया था, ये नॉर्थ ये साउथ, ये लाइंस ऐसे घूम के आ रही थी है ना। तो जैसे से दूर जाते जा रहे हैं लाइन रेर होती जा रही है, जितने इसके मैग्नेट के पास में है वहां पर डेंसिटी ज्यादा है। तो मैग्नेट के पास में जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से आ रहे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, जितना दूरी पर जाएंगे उतना तेज नहीं खींच पाता है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा डेंस बनाई जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर रेयरर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज लोअर। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। अब देखना आप लोग, ये पूरी लाइंस नहीं बना रहा हूं मैं, इस तरीके से लाइंस मैं पूरी नहीं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं दूसरी लाता हूं मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दूसरी लाता हूं मैग्नेट, इस तरीके से। तो बताओ इस पर कैसा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ये
मैग्नेट इधर तरफ भागेगी, क्यों भागेगी अभी बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, तो नॉर्थ पोल पर फोर्स किस तरफ लगेगा और साउथ पोल पर फोर्स किस तरफ लगेगा, ड्रॉ करके दिखाओ। नॉर्थ पोल पर फोर्स किस तरफ लगेगा और साउथ पोल पर फोर्स किस तरफ लगेगा बताओ। बताओ समझ में आया सभी को? नॉर्थ पोल पर फोर्स किस तरफ लगेगा? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और साउथ पोल फोर्स कहां लगेगा? जस्ट अपोजिट। फोर्स ऑन साउथ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इज इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट? एक बार और देखो, हमने यहां पे देखा, यहां पे देखा कि ये जो है ना मैग्नेट है इस तरफ जा रही है, इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर फोर्स इस तरफ लगाया होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ पोल पर धक्का जरूर इस तरफ लगाया गया होगा। इसका मतलब जिस तरह नॉर्थ पोल पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कहां लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात आई समझ में? अब जब देखा मैंने इसकी जगह पे रखा, मैंने इसको मैंने ऐसे पलट दिया, तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब फोर्स कहां लगा होगा? साउथ पोल पर फोर्स कहां लगेगा? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रियांशु, हर्षित, समझ में आ गया? नो डाउट, ओके। चलो चलते हैं आगे। इतनी बात समझ में हमें आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया और मैग्नेट समझ में आ गई, इतनी कम से कम, है ना? अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक बिहेवियर
किसी और तरीके से पैदा किया सकता है क्या? बात इसकी लगी, मतलब मेरे पास अगर मैग्नेट नहीं है, मेरे पास अगर मैग्नेट नहीं है तो भी हम क्या मैग्नेट की तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, ला सकते हैं क्या? बात इसकी आती है अब। अब सोचो इसमें फायदा कितना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई काम कराना है तो मुझे हैवी हैवी मुझे मैग्नेट चाहिए होंगी, जो अपने आप में बहुत कॉस्टली चीज है मान लो, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने कंट्रोल के बाहर है। क्योंकि हम इसका मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, है ना? किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हम स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और हम चाहते हैं इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। मान लो जैसे मैंने किसी आयरन पार्टिकल को अटैच कर लिया, ठीक है, अब चाहते हैं इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे? तो ड्रॉप जब तक इसको फोर्स लगा के हम खींचेंगे नहीं तब तक इसको हम हटा नहीं सकते, है ना? तो अब बात इसकी आती है, क्या कुछ ऐसा तरीका बनाया जाए जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये अपने कंट्रोल में आ जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए रैंडम। देखो जब भी कोई खोज होती है तो रैंडम होती है, हिट करते हैं साइंटिस्ट लोग बहुत तरह तरीकों पे, फिर उसमें से कोई तरीका बाहर निकल के आता है, उसमें से कोई तरीका बाहर निकल के आता है, फिर उस पे होती है रिसर्च होती है आगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि करंट की खोज हो चुकी थी, करंट की खोज हो चुकी थी। अब क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर रखा हुआ था और पास में एक साइंटिस्ट इसके पास में एक कंपास लाते हैं, कंपास लाते हैं इसके पास में और देखते हैं, ये देखते हैं कि इस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें ये पता था कि अगर कंपास में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह है मैग्नेटिक फील्ड। बताओ सही बात है, हमने अभी तक यही सीखा कि अगर कंपास में कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डिफ्लेक्शन की वजह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और हमने इसके पहले हम यही जानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड केवल मैग्नेट्स के द्वारा आता है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इसकी पता नहीं था, केवल हमें यही पता था कि मैग्नेट्स केवल मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं। अब आ गई दिक्कत कि आखिरकार इसके पास में, मतलब ये समझ लो कि ये करंट कैरिंग वायर है कि नहीं, ये पता नहीं पता कि बस यहाँ फ्लो हो रही करंट, ये नहीं जानते थे कि इसमें कुछ हो रहा है। फिर उसको देखा इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने जाना कि आखिरकार क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने सर्च किया पूरे कमरे में कि मैग्नेट कहाँ कहाँ रखी है, उन्होंने सारी मैग्नेट निकाल के दूसरे कमरे में रख दी, जाके दूर रख दी जाके, फिर भी इसको आगे पीछे किया, फिर देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब क्या दिक्कत है, तो उन्होंने करंट को कर दिया ऑफ कर दिया, जितनी भी करंट थी कमरे के अंदर सबको ऑफ कर दिया। अब उन्होंने देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं, अच्छा कोई डिफ्लेक्शन नहीं, अब इसका मतलब हम करते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन करंट से आ रहा है। तो अब उन्होंने दोबारा करंट को केवल ऑन किया, अब इन दोनों को आपस में देखना स्टार्ट किया और उन्होंने देखा कि इस करंट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब बताओ यहां से आपके दिमाग में आपने यह एक्सपेरिमेंट किया होता तो आप क्या इससे कंक्लूड करते, बताओ? अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होता तो आप इस एक्सपेरिमेंट
बताए कोई। हाँ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ओके और कोई? क्या इसकी वजह से ही लग रहा है कि करंट स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है? वेरी गुड अनुष्का बेटा, करंट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वेरी गुड, मतलब करंट एक मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में ला सकता है, ये बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। एक्सपेरिमेंट से ये आया सामने करंट ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस। एग्जिस्ट इन स्पेस ये सामने आई। अब हम इसके और अंदर जाते हैं, करंट की वजह क्या होती है ये समझते हैं। करंट की वजह क्या होती है? चार्ज पार्टिकल का मूव करना। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ध्यान सोचना, चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तब क्या देता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया? जब चार्ज पार्टिकल चलने लगता है, जब चार्ज पार्टिकल चलने लगता है तब क्या आ जाता है? चलेगा तब क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या आएगा? करंट आएगी। करंट की वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बात आई समझ में सभी को? इतनी बात सबको समझ में आई?
अब बताओ, अगर आपको ये पता हो कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट बना सकते हैं, करंट से एक मैग्नेट टाइप की चीज बना सकते हैं, तो बताओ आप लोग उस मैग्नेट को कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ हर्षित, बताओ, है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। अब बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट को कंट्रोल किया तो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल हुआ, करंट को कंट्रोल किया तो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल हुआ, और करंट को कंट्रोल करने के लिए करंट किससे आती है? बैटरी से, है ना, बैटरी से करंट आती है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास एक बैटरी है, एक मेरे पास वायर है, वायर में करंट है, करंट से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट को कर लूं, यहाँ पे मैनेज कर लूं, तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कंट्रोल में आ जाएगा। और हम करंट को मैनेज करना जानते हैं बाई वोल्टेज रेगुलेटर, याद आया, वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ क्या आप एक क्रेन बना सकते हैं? एक क्रेन बना सकते हैं आप लोग? बताओ, है ना, आप लोग घर पर हैं, आप लोग घर पर हैं और घर पे बहुत सारा सफिशियंट टाइम रहता है, तो आप इस तरीके के खिलौने, इस तरीके के प्रोजेक्ट घर पे बना सकते हैं, क्रेन के, और ग्रेविटी फ्री ट्रेन, ग्रेविटी फ्री ट्रेन, और भी कुछ बना सकते हैं। और भी चीज देखिए क्या क्या बना सकते हैं आप लोग, अभी फिलहाल तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये तो बना सकते हैं आप, ग्रेविटी फ्री ट्रेन बना सकते हैं और क्रेन बना सकते हैं, और अगर आप लोग 5-6 लोग मिल जाएंगे तो आप एक बुलेट ट्रेन का वो ही बना सकते हैं, प्रोटोटाइप। अच्छा, आप लोगों को मजा आता है इसको बनाने में, ये सब चीजें बनाने में, क्रेन, ग्रेविटी फ्री ट्रेन, कुछ बनाने में इंटरेस्ट आता हो कि चलो वहां बनाते हैं ऐसा कुछ? और अच्छा ये बताओ, आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है कोडिंग सीखने में? रोबोटिक्स, रोबोट बनाने में, आता नहीं है? चलो किसी दिन बनाएंगे प्रोग्राम, सिखाएंगे ये कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाएंगे। थोड़ा इंटरेस्ट है? ओके ओके, नहीं बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है ये कोडिंग और रोबोटिक्स, बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजा आता है इसमें काम करने में। थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ जाए एक बार, उस टाइम मिलेगा जरूर पढ़ाएंगे इसको।
पाइथन, चलो आगे की क्लास में आप लोग एक काम करना, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट बनाना चाहें घर पे बना सकते हैं, कर सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बायो सेवर्ट लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। बाय सभी को। गुड इवनिंग, बाय बाय।